हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एक लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड एक गेट सीएस ब्रांच के लिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो कि आपका 1997 में आया था 1 मार्क्स के लिए। तो देखिए नॉर्मली जो आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो 90% क्वेश्चन जो है आपका वो आपका प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो रहा होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी या फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का बात करें और ऐसा बहुत सारा टॉपिक है या फिर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेगा तो आप लेंथी क्वेश्चंस को जो है अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप 10 से 15 सेकंड में बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसी में से एक प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है तो वो हम आपको बताते जाएं जिससे आपको सारा प्रॉपर्टीज याद भी हो जाए। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिये ये देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का बात कीजिए तो ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का जितना भी वैल्यूज होगा सारा आपका वैल्यू जीरो होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसका अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो उस केस में इसके ऊपर का सारा वैल्यू जीरो होता है। तो देखिए अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है आपका, मान लेते हैं कि ये अगर ए है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो है आपका ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो जितना टाइम आपको बस ये 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने में लगेगा उतना ही टाइम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना ध्यान से कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। और देखिए जब हम आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे तो वहां पे जब भी अगर आपका अपर ट्रायंगुलर रहे या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे या फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जहां पे सिर्फ आपका डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट हो तो वैसे केस में जो जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वही आपका आइगन वैल्यू भी हो जाता है। और आपको पता है कि अगर आपका जो है डायगोनल एलिमेंट ही अगर आपका आइगन वैल्यू हो जाता है तो उस केस में आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज की वजह से प्रॉपर्टी भी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है आपका अगर आइगन वैल्यूज भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे 6, 2, 4, -1। और ऐसा क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो आप विद इन 10 सेकंड्स आप इजिली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको नॉर्मली सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने बोला गया तो डिटरमिनेंट क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका 6, 2, 4, -1। तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई की जाएगा 6, 2, 4 और -1। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस साइन आ रहा होगा और 1 है तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम नंबर आ जाएगा। तो 6 × 2 आपका 12 और 12 × 4 आपका 48 यानी -48 आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहता वैसे तो हम आपको लगातार बताए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपका 2 to 3 मिनट्स का गया, लेकिन आपको नॉर्मली प्रॉपर्टी याद होता और आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई करते और आपका इजीली यहां से आंसर आ जाता। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी जो है आपका -48 दिया हुआ है यानी ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।